कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले सीरीज। तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। बहुत ही नहीं है जगह हर एक बाजार में जहाँ पे हर टाइप का सामान मिलता है, सारी की सारी ग्रोसरीज मिलती है। कुछ उस टाइप का स्टोर मुझे बनाना है इस गेम में और उसको हैंडल करना है। फिलहाल अभी हमारा स्टोर बिल्कुल खाली है, तो आज से ही चल के काम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा प्यारा सा घर जो की चारों तरफ से सचमुच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और शायद से जिस जगह पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा रेन या स्नोफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पर सबके घर ही ऐसे बने हुए हैं। मतलब इस टाइप की रूफ बनाने का मतलब यही होता है कि छत पे स्नो या फिर बारिश का पानी ना रुके। फिलहाल अभी जल्दी से घर के अंदर चलते हैं और मैं आप लोग को एक होम टूर दे देता हूं पहले अपने घर का, क्योंकि घर सचमुच में यार इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा लग्जरी है। एक लग्जरी ओपन किचन जिसमें काफी मस्त तरीके से सारा काम हो रखा है। बाकी ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं। मतलब यार देखो, अभी ना अपना घर भी बिल्कुल खाली है। शायद से हम लोग इस टाउन में, इस सिटी में नए नए शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि देख रहे हो इतने सारे रूम है बट कहीं पर भी कोई बेड, सोफा, चेयर, कोई पेंटिंग, सीनरी कुछ भी नहीं है। तो शायद से हमें धीरे धीरे करके यहां पर भी काम करना पड़ेगा। यूज अ लैपटॉप टू सेव योर गेम, ठीक है। गेम सेव करने के लिए भी मुझे भी लैपटॉप परचेस करना होगा। बाकी बैक साइड जिसका दरवाजा मैं ओपन नहीं कर सकता, वाओ शायद आगे चल के ये सब भी ओपन होगा। फिलहाल आगे खड़ी हुई है ये मेरी प्यारी सी गाड़ी, थोड़ी पुराने जमाने की रेंज रोवर। ओ डोंट फॉरगेट टू चेक द कार्स स्टेटस बाय प्रेसिंग ई व्हाइल लुकिंग एट द कार। ओ कार का स्टेटस भी होगा, मतलब व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, वो वाला स्टेटस की जैसे हम लोग जितनी कार को चलाएंगे उसके अंदर फ्यूल और थोड़ी बहुत कमियां भी होने वाली है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो हमें कार की सर्विस, कार को रिपेयर भी कराते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। भाई इस गेम में काफी सारी चीजें इस टाइप की होने वाली है जिसमें हमारा पैसा खर्च होगा। फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं और मैं जाने वाला हूं अभी सीधा अपने सुपरमार्केट के लिए जहां पर हमारा स्टोर है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, स्टीयरिंग तो घूम रही है बट ओए अच्छा गाड़ी स्टार्ट ही थी। मैं इतनी देर से सोच रहा हूं आवाज ही नहीं आ रही है गाड़ी की, मेरे को पता नहीं क्यों। क्या ठीक है, आवाज आ रही है भाई, इलेक्ट्रिक है क्या? बहुत ज्यादा कम साउंड है यार गाड़ी का। बट ठीक है, अभी फटाफट से गाड़ी को लेकर पहुंचते हैं। और ये तो बेस्ट वर्कर है जो अपनी रेंच सिमुलेटर में था। हाँ ये गेम उन्हीं का है वैसे जिन्होंने रेंच सिमुलेटर भी बनाया। और ये रहा अपना गैस स्टेशन, अगर कल को गाड़ी में फ्यूल खत्म होगा तो मैं यहाँ से गैस भरवा लूंगा। फिलहाल अभी कितना है पता चलेगा, चलो कोई नहीं, फिलहाल जब फ्यूल खत्म होगा तब मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी को भी इस टाइम पे भगाता हुआ लेकर जा तो रहा हूँ पर मैंने मैप ओपन करके देखा नहीं कि सिटी का रास्ता कहाँ पर है। वेट 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 वेट, एक मिनट, सामने कार मैकेनिक का शॉप है, एक बार मिलकर आता हूं उस बंदे से, क्योंकि मेरे को इस टाइम पर सबसे बातचीत बनाना जरूरी है। अब कुछ टाइम के लिए इन्हीं लोग के साथ रहना है। फटाफट से गाड़ी भगा के मैं यहाँ पर चलता हूँ। ओ भाई साहब, ओ भाई, कार मैकेनिक की शॉप के बाहर तो गाड़ी रुकती ही नहीं है, अभी खाली पीली ठुक जाती फिर रिपेयर भी करवानी पड़ जाती है इसके पास। देखते हैं इसके पास क्या क्या सामान है। वैसे तो बहुत सारा सामान है और पीछे इसने बना रखा है जंक यार्ड खराब कार्स के लिए। भाई गेम में बहुत मजे आने वाले हैं इस वाली। फिलहाल अभी ना एक बारी मैप ओपन करके चेक कर लेता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी जगह है इस मैप में। होम, योर शॉप, फर्नीचर शॉप, जेबर शॉप, ओ भाई ट्रेडिंग कंपनी, कितनी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर। लेट्स गो, सबसे पहले मुझे जाना है योर शॉप पे जो कि है ये। बट यार मैं निकला कहां से था, मेरी गाड़ी इस टाइम पे यहाँ पे, यानी मुझे सीधा आना है, स्ट्रेट को जाना है। कार मैकेनिक का ग्रीन वाला लोगो है, यानी मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ और मुझे जाना है योर शॉप पे। मेरे को यहाँ से निकल के सीधा जाना है, मैं सही जा रहा था, ये अपना स्टोर डन। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। क्या मैं गाड़ी की लुक बैक, ओह मैं गाड़ी का पॉइंट व्यू, आई थिंक गाइस इस गेम में हम लोग गाड़ी को फर्स्ट पर्सन में ही चला सकते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी थोड़ी सी अलग रियलिस्टिक फील होती है। आराम से अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ा और इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ सिटी में। मैं एक पीछे एक नॉर्मल टाउन में रह रहा था, वहाँ पर कोई इतने लोग वगैरह भी नजर नहीं आ रहे थे बट यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। और ये है वो सुपर मार्केट, यही है कि अपना स्टोर, देखने में तो मुझे यही लग रहा है। अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं, शायद से पीछे पार्किंग भी बनी हुई है, इतना ज्यादा बड़ा स्टोर मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। परफेक्ट, अपनी गाड़ी को मैंने यहाँ पे लाके पार्क कर दिया है। और वेट, ये देखो गाइस नीचे क्या लिखा हुआ है। पहले तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, ठीक है। अपनी गाड़ी यहाँ पर एकदम मस्त पार्क हो चुकी है। नीचे लिखकर आ रहा है यूरिन 21 एंड डर्टीनेस 16, हंगर 22, यानी हमें टाइम टू टाइम खाना भी खाना है और खाना निकालना भी है। मतलब सब कुछ जरूरी है। फिलहाल सिटी में एक पुराने जमाने की फरारी वरारी खड़ी हुई है, वैसे उतनी अच्छी भी नहीं है बट टू डोर कार है तो यह थोड़ी सी तो लग्जरी कह सकते हैं। फिलहाल ये है वो सुपरमार्केट, ये है वो स्टोर जिसको हमें हैंडल करना है, हैंडल नहीं करना, ये हमारा स्टोर है, इसको बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे लेकर जाना है। फटाफट से चलते हैं हम लोग अपनी शॉप पे, अपने स्टोर पे, शटर ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स गो, यहाँ पर ओ हमारे पास एक एम्प्लॉय है। प्रेस क्यू टू प्लेस फर्नीचर, डन। आई थिंक हमारे पास कुछ फर्नीचर पहले से है जिसको मैं रख सकता हूँ। हमारे पास एक रैक है, इस रैक को मैं उठा लेता हूँ और इसको मुझे प्लेस करना है। क्या मैं इसको, ओ वेट मस्त है। तो ये लोग कह रहे हैं कि शहर में एक बहुत बड़ी फर्नीचर शॉप भी है जहाँ से हम लोग अपने घर का और अपने स्टोर का सारा फर्नीचर खरीद सकते हैं। कुछ इस टाइप के रैक्स शायद मैं वहां से ले सकता हूँ। और घर में भी हमारे बेड वगैरह कुछ भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था इस गेम में डर्टीनेस भी शोर है, यानी नहाना भी जरूरी है। तो शावर वगैरह, बाथटब वगैरह सब कुछ मैं वहां से लेने वाला हूँ। फिलहाल रैक को मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये बार बार ही मेरे को अलर्ट
अलर्ट कर रहा है कि ओ वेट यहाँ पर कस्टमर आना शुरू, अरे अंकल अभी कोई सामान नहीं, आप चला गया, कस्टमर इज लेफ्ट, नो नूडल्स, ओ नूडल्स वगैरह सबको ठीक है, मैं दो दिन रुक जाओ, सबसेट होएगा। बाकी हाँ ये मुझे बार बार अलर्ट कर रहा है कि लैपटॉप के थ्रू अपना गेम सेव कर लो, तो मैं अपना लैपटॉप यहाँ पर रखवा लेता हूँ फिलहाल के लिए इनके बगल में ही, ये मैंने रख दिया और उसमें मैं गेम सेव कर लेता हूँ, सेव गेम डन। बाकी इस लैपटॉप में मैं बहुत सारे अपग्रेड्स ले सकता हूँ अपने स्टोर के, भाई क्या यहाँ से सामान ऑर्डर होगा। बाकी वो सब छोड़ो, अभी बार बार ना कस्टमर आ रहे हैं और देखो नो ऑयल कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी यार, मैंने स्टोर में से बंद कर दूंगा थोड़ी देर, खाली पीली कस्टमर भी नाराज हो रहे होंगे यार, इसको थोड़ी देर बंद कर देता हूँ, जब कुछ सामान वगैरह हम लोग सेट कर लेंगे उसके बाद मैं इसे ओपन करूंगा। बाकी यहाँ पर कुछ बॉक्स है, स्टार्ट अनपैकिंग गुड बाय प्रेसिंग एफ, डन डन डन, मैं वही करने जा रहा था। वेल तो स्टार्टिंग में ना हमें तीन बॉक्स फ्री मिले हैं, जिसमें से एक में सॉस, एक में डायपर्स एंड एक में वॉशिंग पाउडर। अगर इन तीनों को मैं रैक्स में लगा दूंगा तो फिर कस्टमर्स आके परचेस करेंगे और हमारी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, डन है। फिर इसमें से मैं सामान निकालता हूँ, तो ये मैंने निकाली एक सॉस की बॉटल और इसको ले जाकर मुझे लगाना है अपने रैक में। और वेट यार, क्या मेरे को एक एक लाख की लगानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से? एक सेकेंड, ये तो काफी ज्यादा, ओ नहीं मैं पूरे डब्बे को उठा के लिया गलती से, इसको ये गलती नहीं है, बढ़िया चीज हुई, अब मेरे को बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉस निकालूंगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दूंगा। इसके अंदर टोटल अभी 8 पीस बचे हैं, यानी टोटल 10 थे, और यार इतना कम सामान, रैक खाली खाली दिखने वाला है, बट कोई नहीं, नया सामान लाएंगे तो वो यहाँ पर लगाएंगे ना। फिलहाल अभी तीन तीन की रो में मैं इसे रखने वाला हूँ, आई मीन तीन तीन के कॉलम में से रखते हैं, मस्त दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत सामान तो पड़ा हुआ है इनके पास, मतलब देखने में तो लगेगा एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत सामान है, खाली हाथ नहीं घूम रहे। डन, तो यहाँ से टोटल 9 आइटम्स निकालने, टोटल 10 हो गए, वो नहीं टोटल 11 आइटम थे, परफेक्ट। 9 बॉटल्स मैंने यहाँ पर रख दिया, एक इसके आगे रखवा देता हूँ, थोड़ी मिसमैच हो रही है, सारा सामान मैं तमीज से लगाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट डब्बा लेकर आते हैं, इसके अंदर है डायपर्स, इसका पैकेट भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसको मैं ऊपर वाले उस पर रखूंगा रोटेट करके, कंपनी का नाम दिखना चाहिए भाई, पता तो चले। तो एक रखा यहाँ पे, और एक काम करता हूँ, पहले बॉक्स लेकर आता हूँ, डायपर्स का पूरा बॉक्स उठा के लाकर मैं रख देता हूँ इधर की तरफ में, और ये वाला जो है ये वॉशिंग पाउडर, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, तो पहले इसको मैं ले जाके इसको एकदम ऊपर रखने वाला हूँ मैं, ठीक है, नीचे सॉस और खाने पीने का, बीच में ये डायपर्स और ये ऊपर, पर क्या मुझे कूदना पड़ेगा क्या यार? वेट, कुछ सीढ़ी वगैरह नहीं है क्या इधर? एक सेकंड, यहाँ पर पीछे ही कुछ तो स्टोरेज, शायद से पीछे वाली एग्जिट है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी, ओ तेरी भाई, यहाँ पर ये पड़ी हुई है एक लेडर, स्टेप कार्ट कहते हैं इसे, हाँ लेडर नहीं है स्टेप कार्ट है, इसको लेकर चलते हैं, इसको मुझे लगाना है यहाँ पे, इसको मैं कुछ इस तरीके से ना फ्रंट की तरफ में लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने मस्त प्लेस कर दिया। अब पहले बॉक्स लेकर आते हैं, गाइस एक मस्त चीज और, अंदर दो बॉक्स और थे जिसके अंदर जैम एंड सॉफ्टनर है, लेट्स गो, ये रख दिया मैंने इसे नीचे, एंड यहाँ से निकाला आइटम और ये रखा ऊपर, और मैं जरूरी नहीं है सारे लाइन से रखूं, एक के आगे एक भी रख सकते हैं तो स्पेस अच्छा खासा बचेगा, तो ऐसे रो रहेगी ना बहुत सारा सही रहेगा, इसीलिए गाइस मैंने स्टार्टिंग से इनकी एक रो बनाते हुए चलो। वेट, यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के आने लग गए पैकेट, अभी ब्लू आए थे अब रेड आ गया अचानक से, यार मुझे लग रहा था रैक बिल्कुल खाली रहने वाला है, बट स्टार्टिंग में ही अपना रैक पूरा भरता चला गया, और जितने भी डायपर्स मैं निकाल रहा हूं हर बारी थोड़े बहुत अलग अलग कलर के निकल रहे हैं, जैसे एक ये येलो वाला निकल आया, कभी ये ब्लू वाला आ रहा है, और वेट अभी जगह खत्म हो चुकी है, तो थोड़े बहुत मैं ऊपर नहीं यार, हाँ नीचे वाले पे रखवा देता हूँ ना, नीचे वाला एकदम मस्त खाली पड़ा है। फाइनली जितने भी डायपर्स थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और अपना जो रैक है वो भी ठीक ठाक भर चुका है। अभी वैसे यहाँ पर दो बॉक्स हो रहे हैं, एक जैम का है, जैम कुछ उस टाइप का दिख रहा है, तो लेकर चलते नीचे रखवाएंगे। फिलहाल अभी ये मुझे हटानी होगी यहाँ से, इसको रख कर आते हैं इधर, और लेकर आते हैं पूरा का पूरा जैम का बॉक्स, उसको लाके मुझे रखना है इधर। अब इसके अंदर से सामान निकालते हैं जैम, और भाई अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी था, ओह लेट्स गो। तो गाइस अभी ये जो कैरेट जैम है ना, इसको मैं अलग रो में रखूंगा, और ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जैम है इसको अलग रो में रखूंगा। वेट भाई, बहुत सारे जैम्स हैं, शायद से भी दो पीस और बचे हैं, और मैंने इनको पूरे का पूरा दो ही रो में निपटा दिया है। जैसा कि मैंने बताया मुझे कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान रखना है। नेक्स्ट है सॉफ्टनर, इसको लेकर चलते हैं, इसको पहले बॉक्स को रखवाया यहाँ पे, और अभी इसमें से सामान मैंने निकाला, और ओ वेट ये मस्त दिख रहा है, इसको तो ऊपर रखवाना चाहिए, बट कोई नहीं, नीचे भी अपने पास स्पेस है तो मैं इसे पीछे रखवा सकता हूँ। ये निकाला, और इसमें दो टाइप के हैं क्या, फैब्रिक सॉफ्टनर भी है, हाँ शायद से इसमें दो टाइप के, एक ब्लू होगा एक ग्रीन होगा। और टोटल पीस कितने, अभी भी 6 पीस बचे हैं भाई, जगह खत्म, ये देखो भाई जगह खत्म होगी, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखवा देते हैं। और एक पिंक कलर का और निकल आया, अरे यार एक सेकंड, इसको भी जमीन पे रखवाता हूँ, इसको उठा के रखते हैं, सॉस को एक ही रो में करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था सामान फैला फैला के रखते हैं, कस्टमर्स को लगेगा बहुत सारा माल है, बट अपने पास असलियत में बहुत सारा माल है अभी। बाय द वे इतनी ज्यादा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद जाने ही वाला हूँ, कुछ रैक्स वगैरह खरीद लेंगे, अपना स्टोर बहुत बड़ा है तो मैं हर जगह सामान रख पाऊंगा। फिलहाल अभी जितना रैक है उसमें सारा फिट करते हैं, परफेक्ट। तो सब कुछ यूज हो चुका है जितना मेरे पास सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक और जगह, ये क्या चीज है, नॉर्मल है, ये वॉल है, डन। तो अभी शायद से मुझे ना एक बार बाहर घूम के आना चाहिए, मैंने स्टोर बंद कर रखा था, स्टोर को ओपन कर देता हूँ और इसको भी ले जाकर यहाँ पर रख देते हैं। ये अपना छोटा सा स्टोर कह सकते हो, या फिर यहाँ से जो सामान आएगा ना बाहर से हम लोग लेकर आएंगे, यहाँ से अपनी गाड़ी अंदर लाकर खड़ी कर सकता हूँ मैं, मतलब स्टोर के अंदर ही गाड़ी लाऊंगा और फिर वहां से सारा सामान उतार के रख लूंगा, ठीक है। फिर इसी बात पे मैं स्टोर को थोड़ी देर ओपन कर देता हूँ, भाई साहब देख लेना जो जो बिक रहा सारा बेचो, अभी मैं और सामान लेकर आता हूँ, लेट्स गो। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी और जल्दी से अभी हम लोग निकलते हैं किसी नेक्स्ट लोकेशन पर। वैसे मैंने मैप तो देखा नहीं है, मैं नॉर्मली घूमने वाला हूँ। स्टोर बंद करना जरूरी तो नहीं है,
मैं उसका गेट ओपन छोड़ दिया है। डायपर्स बिक गए, देखो लिख कर आ रहा है ऊपर $15 में। लेट्स गो। तो सामने एक बहुत मस्त बैंक भी है, बैंक बाद में चलेंगे क्योंकि बैंक का यूज पैसा, पैसा वहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। मेरा हंगर 38 है, एक सेकंड मैं एक बारी ना यहाँ पर पहले उतरता हूँ। और ये क्या, यू कैन बाय अ स्मार्टफोन फ्रॉम दिस स्मार्टफोन शॉप। ओके, अभी पैसा नहीं है, मैं जरूर खरीदूंगा आके। और ये यहाँ पर फूड वूड बेच रहा है भाई साहब, क्या है आपके पास? ओ, इसके पास फूड $15, इतना महंगा? इतने का तो डाइपर है हमारे वहाँ। थोड़ी एक्सचेंज थोड़ी कर लेगा डाइपर के बदले, क्या ठीक है मैंने खा लिया है, हंगर थोड़ा सा ही कम हुआ। अबे ढंग का खिला यार। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसके यहाँ से हम निकलते। कस्टमर हैज लेफ्ट नो ट्यूना। ट्यूना क्या होता है मुझे सच्ची में नहीं पता। ये रही स्मार्टफोन की शॉप है। अरे भाई साहब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मैं अभी नहीं लेने वाला यार। टोटल $485 है, उसमें से मैं फोन ही ले लूँ भाई, आधा पैसा ऐसे खत्म हो जाएगा मेरा। आधा तो नहीं बट फिर भी बहुत सारा खत्म हो जाएगा यार। क्या ठीक है, यहाँ पर ना एक फर्नीचर शॉप मुझे नजर आ रहे, उन्होंने तो दिखाया था बहुत बड़ा फर्नीचर शॉप है, शायद से ये सिर्फ रैक शॉप है यहाँ पर सिर्फ। हाँ, फर्नीचर के नाम पे एक रैक ही है इसके पास। हाँ जी अंकल, मतलब भाई साहब रैक मुझे ये वाला चाहिए, वैसे सारे सेम ही है तो ये वाला परचेज $150 भाई। अरे भाई कुछ भी कुछ ज्यादा महंगा मिल रहा है बट ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि इसके बिना मैं सामान नहीं बेच पाऊंगा ना भाई। मेरे को एक बारी फर्नीचर शॉप जाना चाहिए था वैसे पहले, क्या पता वो शॉप दूर होती बट वहाँ पर सामान सस्ता मिल जाता। एक बारी चल के देखते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं होगी, गाड़ी अपने पास। मैं वेट एक बारी ना मैप चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है मेरा स्टोर और फर्नीचर शॉप है ये ब्लू सोफा जहाँ पे बना हुआ है। तो मेरे को स्टोर से इधर को ही जाना है, आई थिंक ज्यादा दूर तो नहीं है, मेरे को यहीं से अपनी गाड़ी को सीधा लेकर जाना है ना, कि नहीं आगे रास्ता है। हाँ तो ये है प्रॉपर कट, मुझे अपनी गाड़ी को आगे से ही लेकर जाना है। अरे एक सेकंड एक सेकंड भाई, कुछ कुछ तो दिखा, मैं कुछ तो दिखा। उतर 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 उतर, स्पाइडरमैन जा रहा है भाई। कहाँ गया कहाँ गया? अरे पता नहीं पता नहीं, तुम लोग बताना कमेंट्स में, कुछ दिखा मेरे को यार यहाँ पे बंदा कूदता हुआ अजीब सा। चलो कोई नहीं, शायद से मेरा वहम होगा, फटाफट से गाड़ी को आगे लेकर चलते। ओ भाई ओ मिलिट्री है यहाँ पर, तो मैं जा सकता हूँ ना, शहर से बाहर नहीं जा रहा हूँ सर, टेंशन मतलब मैं आ जाऊंगा थोड़ा सामान वान लेके। फर्नीचर शॉप ही जा रहे हैं यार, हम कौन सा गलत काम करने हैं। बाकी यार देखते ही देखते रात के 8 बज चुके हैं और कुछ ही देर में रात होने वाली है, और शायद से अभी मैं अपने स्टोर वापस नहीं जा पाऊंगा, मतलब मुझे स्टोर बंद करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी मैं अपने घर के काफी ज्यादा पास आ चुका हूँ। मैं गलत आ गया क्या? एक मिनट, नहीं नहीं आया तो मैं सही हूँ, बट सीन क्या है ना, मुझे इस रास्ते से अगर जाऊंगा तो जंगल के बीच से गाड़ी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर स्टोर बगल में ही है बट इधर से ना कोई रास्ता जा नहीं रहा है। तो ये देखो, ये रहा सामने फर्नीचर स्टोर और मेरी गाड़ी भिड़ चुकी है पेड़ में। अरे यार मेरे को आराम से, अरे भैया कहाँ भिड़ रही है? वेट वेट वेट, मैं रस्तों से ही आने वाला हूँ भाई, यहाँ पर कच्चा अलग ही सीन है। लाइट जला लेता हूँ यार, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है और काफी सारी चीजें दिख नहीं रही है। बाकी हाँ अभी मैं फर्नीचर स्टोर पहुंचने वाला हूँ, और ये कुछ अलग ही जगह पर बना रखा है, मतलब उधर से एक रास्ता दे देते कितना टाइम बच जाता मेरा। तो ये है वो फर्नीचर शॉप, जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ पर खड़े करते हैं अपनी गाड़ी को। ओ वेट, बहुत कुछ अंदर, तो सामान खरीदूंगा बहुत सारा, अपने घर में ले जाकर डेकोरेट करेंगे भाई सारी की सारी चीजें। यहाँ पर वॉल्स वगैरह मेरे पास क्या क्या है? वैसे मेरे पास एक रैक है, वॉल है और रैक एक और, अच्छा अभी परचेस करा था। डोर फ्रेम है, डोर है, टॉयलेट है, बेड है, टेबल है, अभी काफी सारी चीजें है। तो हो तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर के लिए फ्रिज वगैरह भी परचेस कर सकता हूँ। लेट्स गो। अरे एक सेकंड, एक फ्रिज $750। अरे भाई क्या हो गया? इतने का तो हमारा पूरा स्टोर नहीं है। बाकी यहाँ पर एक डेस्क वगैरह है जो कि मैं नहीं लेने वाला यार, बहुत सारी महंगी चीजें। टीवी $700 यार, मेरे पास $335 है। सोफा तक नहीं परचेस कर सकता, वो भी $350 का। ये फ्लावर भाई मैं जा रहा हूँ यार, पोर्ट भी $100 के मिल रहे भाई। और ये सस्ते वाला रैक, अरे सस्ता देखने में असलियत में $175, कुछ $30-50 का माल है क्या? ये लकड़ी भाई, मैं जा रहा हूँ आज के बाद नहीं आऊंगा मैं, जब तक मेरे पे अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाएगा। इसको बंद कर ले भाई, इतना महंगा सामान छी थू। बाकी अरे मौसम देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब हॉरर गेम ना बन जाइए। डन यार, मैं जाने वाला हूँ वापस अपने घर पे, क्योंकि मेरे को कसम से कुछ बाथिंग का सामान चाहिए। वैसे अगर सब छोड़ो, एक बार ना पता कर लेता हूँ बाथिंग का सामान कहाँ पर है यार, मेरे को उसमें लिख कर आया था चिप्स डिस्प्ले। ओ ये थोड़ा सस्ता है, $175 का, इसके अंदर मैं चिप्स ला के रख सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है यार देखने में, इसको परचेस कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया, मेरे को ना अपने घर के लिए बाथिंग का सामान चाहिए यार, उन्होंने लिखा तो था फर्नीचर स्टोर में मिल जाएगा बट यहाँ पर नहीं है। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये देखो ये है बाथिंग का सामान $250 और ये वन। अरे यार एक मेरे को ना एक बकेट और मग दे दो भाई, उससे मेरा काम हो जाएगा, मुझे जरूरी नहीं है आराम से इस बाथटब में लेट के नहाना। छी यार मेरे इतना पैसा है नहीं जितना ही खर्च करवा रहे हैं, मेरे बैंक में $100 है और मेरे वॉलेट में 160। बाकी देखो गाड़ी की हेल्थ, गाड़ी में 90% गैस है, 92 ऑयल है और रिपेयरिंग मतलब ओवरऑल हेल्थ इसकी 91% है। और भैंस की क्या लाइट चली गई क्या? ये अचानक से कैसे अंधेरा हुआ है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो, ये अचानक से कैसे लाइट गई? ठीक है यार मेरे को लग रहा है ये गेम हॉरर गेम बनने वाला है, तो भाग के चुपचाप घर पहुंचते हैं। डन, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर जाने वाले रास्ते पे, और अब मेरे को ना काफी सारी चीजें समझ आ गई, सब कुछ पास में ही है। मैं अपने स्टोर पे ना फर्स्ट टाइम बहुत गलत रास्ते से गया था, ये रास्ता एकदम सीधा जाता है, मतलब एकदम स्ट्रेट आगे राइट मुड़ जाना है, सीधा हम लोग अपने सुपर मार्केट स्टोर पे पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। तो यहाँ पर लाकर अपनी गाड़ी को खड़े करते हैं, अपने टाउन के आगे काफी ज्यादा मस्त लाइट वाइट जल रही है,
और गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया। यार यूरिन 53%, डर्टीनेस 41, हंगर 37। मैं यार एक गलत बात है भाई, मतलब पब्लिक टॉयलेट भी होना चाहिए यार। घर में भी देखते हैं अपने पास क्या क्या लगा के चेक करते हैं। तो ये अपना बाथरूम है, मैं अपने पास से सामान निकालता हूँ। मेरे पास बाथरूम के लिए तो कुछ भी नहीं है, टॉयलेट है, ये रहा टॉयलेट है, इसको प्लेस करना है मुझे। ओह मैं इसको खाली भी नहीं परचेस कर लेता, मेरे पास पड़ा था मुझे मालूम नहीं था। इसको लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं यूज कैसे करूंगा, एफ टू इंट्रैक्ट, लेट्स गो फाइनली। ये जीरो हो चुका है, डर्टीनेस अभी भी 42% है, क्योंकि उसके लिए मुझे नहाना पड़ेगा। बट हमारे अभी बाथ टब खरीदने के पैसे नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास दो रूम है, इनमें से किसी एक रूम के अंदर मैं बेड प्लेस कर सकता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा बहुत सामान निकाल के रखते हैं, जैसे कि ये डोर है, बट डोर मेरे को कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर कंप्लीट है। बेड लगाऊंगा, वॉल है, डोर फ्रेम है, एक टेबल है, ये तो मैं स्टोर पे लगाऊंगा यार, ये यहाँ की काम की चीज नहीं है। बेड है फिलहाल जो लगाते हैं ताकि दिन हो जाए अगला। इसको मैं लगाने वाला हूँ एकदम विंडो के पास, क्योंकि मेरे को ना बाहर का व्यू चाहिए। ये परफेक्ट भाई, यहाँ से आराम से लेट के बाहर का मस्त व्यू है। फटाफट से सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे दोबारा से जाना है काम पे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भी मैं दोबारा से सोकर उठ चुका हूँ। दरवाजे बंद नहीं होते क्या? ओह वेट, हमारे घर के शायद से दरवाजे बंद नहीं होते। फटाफट से बाहर चलते हैं, और अभी मैं जाने वाला हूँ। ओह नाइस, मुझे लग ही रहा था मौसम खराब हो रहा है और बारिश होने वाली है, और आज काफी ज्यादा खतरनाक बारिश हो रही है। डन, फटाफट से चलते हैं अभी हम लोग अपने सुपरमार्केट पे, मतलब स्टोर पे। बट जाने से पहले ना यार मुझे अपना हंगर थोड़ा सा कम करना होगा, वो 41% हो चुका है। वैसे तो यार देखो, मैंने जैसा कि बताया था रास्ता यहीं से जाता है, बट यार मुझे हंगर भी कम करना है। तो पहले मैं जाने वाला हूँ बेस्ट बर्गर, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर मैं आराम से पार्क कर लेता हूँ, और अंदर चल के ना कुछ खा लेते हैं। कुछ सस्ता वस्ता माल मिल जाता तो काम चल जाता, बट यार अभी बेस्ट बर्गर आए हैं तो यहाँ से तो महंगी चीजें मिलने वाली है, बट टेस्टी होगी। और बारिश कैसी थी, तेज होती जा रही है। हैव टू इंटरेक्ट, क्या क्या आपके पास? पिज्जा, पिज्जा भी है, पिज्जा फ्राइज एंड बर्गर। पेट सस्ते में जिससे ज्यादा भर जाए शायद से वो पिज्जा होगा। $65 यार, इतना ज्यादा पैसा खाने में जाने वाला है क्या? हमेशा बर्गर 25 का एंड फ्राइज 15 के। फ्राइज दे दो भाई, फ्राइज मैं दो बार खा लेता हूँ, तो मुझे इसे रखना होगा फिर ईट करना है। और बहुत सारा हंगर खत्म हो गया यार, सीधा 18 आ चुका है यार। ये ज्यादा मस्त चीज है, यहाँ से ऑर्डर वगैरह भी हो जाता है क्या? सीट पे बैठ के खाओ आराम से। खैर ठीक है, अभी फटाफट से मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी को लेकर चलते हैं पीछे। फर्स्ट टाइम मैं इस वाले रास्ते से घुमा के गया था, बट ये मेरे को जो न्यू रास्ता मिला वो ये है, यहीं से अपनी गाड़ी सीधा मार्केट चले जाएगी। मतलब इसके पीछे भी एक कट है, वहां से भी राइट घुमा के हम लोग जा सकते हैं, बट कोई नहीं, ये एकदम एग्जैक्ट अपने सुपरमार्केट के बाहर ही लगता है, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है। फिलहाल अपनी गाड़ी को मैं ऐसे ऐसे फुल स्टाइल में खड़े करने वाला हूँ, डिवाइडर पे चढ़ा के देख रहे हो। ओह हो, क्या मस्त लुक आ रही है। कुछ अच्छी लुक नहीं आ रही, चुपचाप से चलते हैं। अरे बंद किसने करा इसको, ओपन कर भाई। माल वाल इतना सारा बिक रहा है, इतने सारे डायपर्स में कल रख के गया था, सारे बिक गए। ओ जैम, जैम एक बॉक्स बिका है, और सॉस वगैरह भी बिक गए हैं, ठीक है। नो कैट फूड, अबे भाई कस्टमर जा रहे हैं। कोई नहीं, मैं एक रैक खरीद के लाया था ना, उस रैक को हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे। वेट, ये रैक है ना, इसको मैं एकदम खिड़की के पास लगाऊंगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टोर में माल है बहुत सारा। ये लिया रैक, और इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे। और अभी ना चलते हैं सीधा जाबर शॉप पे, क्योंकि वहां से मुझे ढेर सारा सामान लेकर आना है। वर्कर सैलरी $50 पे, भैंस की बैंक से कटोगे वो भी मेरे ऑटोमेटिकली पे हो रहा है यार। और अगर मैंने बैंक में पैसा नहीं डलवाया तो फिर वर्कर को सैलरी नहीं मिलेगी, वो छोड़ के चले जाएगा। यार भाई पैसे की बहुत ज्यादा कमी है यार इस गेम में। मैं अपना आराम से बर्गर खाने जा रहा हूँ, तो शुक्र है मैंने खाया नहीं, प्राइस खरीद ले चुपचाप से, वरना पता नहीं कितना मस्त नुकसान होता। जाबर शॉप, ये स्टोर वाला साइन है जो कि है। अरे भाई बहुत ज्यादा दूर है ये, बट कोई नहीं, अगर अभी मेरे को अपने स्टोर के लिए सामान खरीदना है तो मुझे वहां पर जाना ही होगा। ठीक है, तो गाइस अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूं मैं अपने स्टोर के लिए सामान खरीदने। जाबर शॉप का मैंने मैप लगा लिया है, और आज ना मुझे $145 में ही ढेर सारा सामान लेकर आना होगा जो कि बिके। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार इतने कम पैसों में क्या क्या आने वाला है। भाई स्टार्टिंग में इतना सारा सामान फ्री मिला था, बट मैंने शायद से कुछ कुछ चीजों पे गलत पैसा लगा दिया। मैंने लास्ट नाइट फर्नीचर शॉप से चिप्स रैक खरीदा था, तो मैं काम करूंगा चिप्स खरीदूंगा बहुत सारे यहाँ से। डन, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जेवर शॉप पे। वैसे तो जेवर ही बोलते हैं ना, मुझे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट ठीक है चलते हैं अंदर। यहाँ से हमें सारा का सारा सामान मिल जाएगा अपने स्टोर में रखने के लिए। फटाफट से अंदर चल के देखने को इनके पास है क्या क्या है। यहाँ पर बहुत सारा आइटम है जो कि ना और फ्रिज में रखा हुआ है, तो इसके लिए पहले मुझे फ्रिज खरीदना पड़ेगा वरना ये खराब हो जाएगा, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। मुझे भी वो आइटम खरीदना है जो कि बिना फ्रिज के मैं रैक में रख सकूं, कुछ इस टाइप की चीजें। ओह ये काफी सस्ता है, नॉर्मल प्राइस $10, करंट प्राइस $10, तो ये मैं लेने वाला हूँ यार, ये बहुत सही है। तो ये परचेस कर लेता हूँ, और ये भी। ओह एक जो परचेस करा है पहले उसको गाड़ी में रखवा के आना होगा, तो ये मैंने रखा गाड़ी के अंदर। कैसे जाएगा यार ये भैंस की, इसको गाड़ी के अंदर कैसे लोड कराऊं मैं, लेकर पैदल जाऊंगा। ओपन डोर ओ से, ये लेट्स गो, अब मैं इसे रखवा सकता हूँ। अरे यार ज्यादा जगह ही नहीं गाड़ी में, मैं एक बार में एक डब्बा ले जाऊंगा क्या? अरे यार पेट्रोल फूक जाएगा मेरा इतना सारा, रुक जाओ। दूसरे टाइप के भी चिप्स परचेस कर लेता हूँ।
मैं यहाँ से सस्ते मिल रहे हैं यार। हाँ वैसे $10 के मिल रहे हैं, पता नहीं बिकेंगे कितने के। रुक जाओ मेरे पे ना एक जुगाड़ है, मैं ऐसे ऐसे घुमा के रखूंगा ना तो मस्त रहेगा। तो दो टाइप के मैंने यहाँ से चिप्स परचेस कर लिए हैं और बाकी यहाँ पर कैट फूड है देखो बहुत सारा, बट नहीं इसकी इतनी भी ज्यादा डिमांड नहीं है, और चीजें लेता हूँ जिसकी ज्यादा डिमांड हो। यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग आइटम है, क्लीनिंग आइटम भी है और पाउडर्स में। यार इसके स्टोर पे ना बहुत सारा अलग अलग आइटम है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स है, ओह वेट चॉकलेट तो मुझे चाहिए, बट इसके ऊपर दिखा रहा हाई प्राइस, ये महंगी चल रही है अभी, लेकिन नहीं नहीं मैं नहीं लेने वाला है। ये वाले चॉकलेट बार परचेस कर लेता हूँ, ये थोड़े सस्ते हैं, इसको ले जाके रखता हूँ गाड़ी में, काश ये फिट हो जाए यार प्लीज। आ गए आ गए आ गए भाई एक और, अरे इसके पास बाहर भी तो सामान पड़ा हुआ, चुरा लूं क्या? ये नहीं उठा सकता यार, परचेस ही करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लोर है, ये भी परचेस कर लेते हैं, बट मुझे ये नहीं पता इसका बॉक्स में रखवा पाऊंगा गाड़ी में या फिर नहीं। ओ ये आ सकता है, डन। मेरे को गाड़ी, ये गाड़ी से बाहर निकल रहा है यार, गाड़ी चला के देखो कहीं ये पीछे ना रह जाए डब्बा। ये गाड़ी हल्की से आगे बढ़ाई, अब उतर के देखता हूँ कि डब्बा आ रहा है साथ साथ, चेक करने दो। ओ नाइस जा रहा है, और लेते हैं फिर तो। अब आए हैं तो यार सारा सामान लेके चलना चाहिए ना। मैं शुगर भी परचेस कर लेता हूँ मैं यहाँ से, गुड प्राइस है क्योंकि। ये भी रखवा देते हैं रोटेट करके यहाँ पे, परफेक्ट। तो अभी एक बॉक्स और परचेस कर सकता हूँ मैं। ओ तो यहाँ पर भी बहुत सी चीजें हैं, और बैक साइड में क्या क्या है, ये सस्ता है ना वैसे। हाँ देखने तो जैम है अपने पास, है बीन्स है, यहाँ पर डॉग और कैट फूड है, तो मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा सा महंगा यार, $140 से भी ज्यादा का तो नहीं लूंगा ये। बाकी यहाँ पर जैम है और बीन्स है और स्वीट कॉर्न, टोमेटो पेस्ट, और टोमेटो पेस्ट या फिर स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न लेते हैं सस्ता है थोड़ा। यू डोंट हैव, ओ $13 बचे हैं लोग, मैं एक सेकंड, अभी का बंद नहीं होगा क्या? अभी फटाफट से निकलते हैं वापस से स्टोर के लिए, बट मुझे ये हो गया, मैं वही सोच रहा था बंद कैसे होगा सारे। अच्छा गाड़ी के नाम पे हम सिर्फ ये ओपन कर सकते हैं, चलो डन 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 डन, फटाफट से गाड़ी लेकर चलते हैं स्टोर पे, सारा सामान चल के रखवाना है, और आज रात होने से पहले अगर ये बिक गया तो ढेर सारा पैसा अपने पास आ जाएगा, वरना भाई हम लोग सच्ची में बहुत बुरा लूटने वाले हैं इस गेम में, थोड़ा सा तो एक डिफिकल्ट टास्क है। और वेट मैं किस रास्ते से आया था? अबे यार मैं पता नहीं कौन से रास्ते से निकला कि मैं एक्सपोर्टिंग कंपनी पहुंच गया हूँ, ये देखो कहाँ पर आ गया मैं। अबे भाई साहब अब मुझे रास्ता समझ आया है। एक्चुअली इस गेम में ना मैप के अंदर हमारी लाइव लोकेशन नहीं दिखाता, तो मैं मैप को अंदाजे से समझ कर जाना पड़ता है कि इस टाइम पर हम यहाँ पर है और इस रोड से जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। यार थोड़ा बहुत तो गूगल मैप वाला हिसाब डालना चाहिए था ना, आदत लग चुकी है तो वो आदत है तो हटती नहीं है। आई थिंक अभी मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मुझे इस वाले कट से ना अपनी गाड़ी को राइट लेना है और फिर हम लोग अपने सुपरमार्केट वाले रास्ते पे पहुंच जाएंगे। यप तो ये आ चुका है वो गैस स्टेशन, यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को राइट ले जाना है फिर लेफ्ट। थोड़ी देर में मेरे को वैसे भी सारे रास्ते याद हो जाएंगे, इतना भी कोई डिफिकल्ट या फिर इतना भी कोई मैसी शहर नहीं है, सब कुछ सिंपल सिंपल रास्ते हैं। अबे इतनी ज्यादा जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी दिखा रहा है कि डर्टीनेस हो रखी है। डन कोई नहीं, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़े करता हूँ, बाहर निकलते हैं। किस बात की डर्टीनेस, नहा तो रहा हूँ मैं ये बारिश में, साफ क्यों नहीं हो रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, इतनी तेज बारिश हो रही है सुबह से। बाकी ठीक है अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्टोर पे और सामान और भी काफी सारा बिक चुका है। नो एप्पल, अबे यार रुक जाओ ना अभी तो कल ही खुला है स्टोर। ओ वेट 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 एक सेकंड, मैं गाड़ी बाहर के खड़ी कर आ रहा हूँ, गाड़ी मुझे अंदर लेकर आनी होगी, तो बैठते हैं गाड़ी में और घुमा के मैं इसको लेकर चलता हूँ अंदर फटाफट से। ये डिवाइडर पे मस्त चढ़ते हैं भाई गाड़ी जो भी कहो। सही है इन्होंने स्टार्टिंग से मैं एक मस्त एसयूवी दे दी, अब गाड़ी का तो टेंशन नहीं एटलीस्ट। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और मेरे को चल के ये अंदर वाला भी ओपन करना होगा, और ये मेरे को हटाना होगा रास्ते से, इधर रख देता हूँ इसको फिलहाल, और अभी गाड़ी को घुमा के लाते हैं। ये मैंने गाड़ी को घुमाया राइट, ये ले गए इसको आगे, और अब मेरे को इसे पूरा टर्न लेकर आना है पीछे की तरफ में आराम से। अरे यार लुक लुक बैक करना होगा, वेट ये है लुक बैक, यहाँ से भी मेरे को अपनी पूरी गाड़ी नजर आ रही है। अब मेरे को समझ आया इसका क्या यूज है, परफेक्ट। तो गाड़ी मैंने लाकर खड़ी कर दी अपने स्टोर के अंदर, अब इसको यहाँ से उतरना होगा। ओए अबे ये कहाँ गया भाई साहब, मैं दीवार के उस पार चला गया था, मेरे को लग रहा था गई गेम अपनी, बट ठीक है हम लोग बच गए। तो ये मैंने एक चिप्स का पैकेट निकाल दिया है पता नहीं क्यों, पहले इसको ओपन तो कर लेते हैं, पूरा बॉक्स निकालेंगे ना। ये उठा के रखा डब्बा यहाँ पे, फिर दूसरा डब्बा रखा यहाँ पे, तीसरा लिया यहाँ पे, टोटल जितने बॉक्स में लाया था वो मैंने सारे के सारे रखवा दिए। अब फटाफट से चल के मेरे को ना एक चिप्स रैक रखवाना है इधर, एक काम करता हूँ उसको एंट्री पे रखवाता हूँ, बहुत सही लगेगा यार यहाँ पे। ये रहा मेरे पास चिप्स डिस्प्ले टेक, तो इसको उठाकर मुझे रखना होगा यहाँ पे। ये भाई क्या लुक है यार इसकी, बहुत सही दिख रहा है। चिप्स 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 वाला डब्बा कौन सा है इनमें से, ये शुगर का है, ये फ्लोर का है, ये रहा चिप्स वाला, इसको उठा के लेके चलता हूँ मैं यहाँ, ये रखवाता हूँ। और यहाँ पर फ्लोर है, ये रहे बाकी चिप्स, इसको रखते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर से मुझे सामान निकाल निकाल के इधर रखना होगा, ये ब्लू वाला है तो इसको रखवा देते हैं एकदम ऊपर। ये पोटैटो चिप्स बहुत सही दिख रहे हैं, और अलग अलग फ्लेवर है क्या? ओह नाइस, सब कुछ अलग अलग फ्लेवर निकलने वाला है और ये काफी ज्यादा कलरफुल हो जाएंगे। फिर से ब्लू, एक और निकाला, ये भी ब्लू पैकेट, मैक्सिमम यार वैसे ना ब्लू ही निकल रहे हैं। ये वाला येलो निकला और इसको रखा मैंने नीचे यहाँ पे, और नेक्स्ट निकला है पिंक, नेक्स्ट है येलो दोबारा से, और नेक्स्ट है सारे अलग अलग फ्लेवर ही निकल रहे हैं मैक्सिमम, और ये लास्ट येलो वाले ज्यादा निकल गए तो इसे लास्ट वाला यहाँ पे रखवा देते हैं। वैसे वेट यार मेरे पास एक डब्बा और है, एक मिनट रुको, इन येलो वालों को थोड़ा थोड़ा पीछे करना होगा, एक ही रैक में टिकाएंगे। डन, तो येलो वाले मैंने सारे नीचे लगा दिए। ये वाले जो है ये मैं एक ही फ्लोर पे टिकाने का ट्राई करता हूँ, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के निकल रहे हैं, सिर्फ रेड नहीं है यार, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो ये निकाला, ये अलग फ्लेवर है, लेट्स गो। तो चिप्स वगैरह सब कुछ सेट हो चुके हैं और मुझे पूरे के पूरे स्टोर में सबसे ज्यादा मस्त ये लग रहा है।
रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी ठीक है, ये क्या लाया था मैं, चॉकलेट बार्स, ये लगाने वाला हूँ मैं इधर। महंगी महंगी चीजें सारी इधर लगेगी भाई। कुछ ज्यादा महंगी चॉकलेट तो नहीं खरीद ली मैंने कि इसे खोल के रखना है। ओ एक सेकंड, मैं कुछ चीजें यहाँ पे भी रख सकता हूँ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। नाइस, ये यहाँ पर मस्त दिखने वाला है यार, डन। ये अच्छा, और उठाता हूँ मैं यहाँ से। ये क्या लाया था मैं, ये क्या चीज है यार, ये क्या मैं लाया गलती से खरीद के, स्वीट हार्ट रख देता हूँ यहाँ पे। पूरा डब्बा उठा के लेके चलते हैं, इसको यहाँ पर रखवाऊंगा। बाकी थोड़ा सा शोपीस के लिए वहाँ पे रख दिया, बाकी तो मैं यही रखने वाला हूँ। तो ये शुगर है, जो स्वीट हार्ट है ना, शुगर का ही नाम है, काफी प्यारा नाम रखा भाई इन लोगों ने। अबे इसमें से तो निकले ही सारे, ओ फाइनली अब खत्म हुई, खत्म ही नहीं हो रही इतनी सारी थी। नेक्स्ट बॉक्स है, ये था शायद से किसका नाम है, फ्लोर। तो ये भी बहुत सारे पैकेट है, इसको भी निकाल निकाल के रखवा देता हूँ। अभी ना थोड़े टाइम के लिए हमें कुछ सस्ते वाले रैक से गुजारा करना होगा, बट अच्छे खासा जब हम पैसा कमा लेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग भी महंगे महंगे रैक यहाँ पर खरीद के लाने वाले हैं। डन, तो सारे के सारे रैक्स में मैंने फ्लोर भी रखवा दिया है, आई मीन सारा का सारा फ्लोर मैंने रैक में रखवा दिया है। बाकी बची अपनी ये चॉकलेट, तो चॉकलेट उठा के मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ। भाई बहुत सारी चॉकलेट आ गई यार, मतलब डब्बे डब्बे है, जिसे मैं एक के ऊपर एक भी रखवा सकता हूँ, जरूरी नहीं है सारा नीचे ही रखवाना है। तेरी ये तो बहुत सारी आ गई यार, कमाई अच्छी होगी। चलो तो सारा का सारा माल यहाँ पर मैंने रख दिया है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सामान बिक रहा है, लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं, मेरा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये देखो, ये सॉफ्टनर खरीद के गया $12 का, मेरे को बैंक में जाके पता करना पड़ेगा दिक्कत कहाँ आ रही है भाई। इतना सब कुछ मेरा बिक रहा, पैसा जाकर है, क्रेडिट कार्ड भी है। ओ भाई, मतलब चोरी वोरी का तो कोई कुछ ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर रखा है भाई। हेलो सर, वो अपना मेरे को माल नहीं, एक सेकंड, ये डायरी वायरी पे साइन करने के, अरे बात तो कर ले। हो तो यहाँ पर बस ट्रांसफर के ऑप्शन है, और मेरे पास हर जगह जीरो है। टेक लोन का ऑप्शन है, 1000 का लोन ले सकता हूँ मैं। अरे यार, वैसे यार मुझे ना लोन ले लेना चाहिए, बट वो बाद में देखेंगे। पर मुझे अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि इतना सब कुछ बिक रहा है तो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है यार। इतना सब कुछ मैंने ला के रख दिया पर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। तो क्या नकली नोट दे के जा रहे हो क्या तुम लोग? ये देखो गाइस, मुझे ना कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कस्टमर्स आ रहे हैं, ये देखो सामान खरीद भी रहे हैं और जा भी रहे हैं अच्छा खासा। जैसे ये तो चलो खाली हाथ चला गया, कह रहा चॉकलेट मिल्क नहीं। अबे चॉकलेट मिल्क भी पीते क्या बंदे? हाँ वैसे पीते तो होंगे क्या। ठीक है, देखो देखो देखो, शायद इसने सामान खरीदा है, $6 का इसने कुछ खरीदा है, बट ये यहाँ से निकालना पड़ता होगा मेरे को लग रहा है, इससे बात करनी होगी। या ये देखो, ओ भाई $550 मेरे पास आ गए। एक सेकेंड, मैं इतनी देर से खाली पीने का टेंशन ले रहा हूँ, $7 यहाँ से भी मिल गए। ओहो, तो ये बेचेंगे बट इसके थ्रू मुझे अपने पास लेना है। डन, अब हुई है ना थोड़ी सी खुशी, लग रहा है भाई यार कुछ तो आज हमने कमाया है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई मजे आ गए भाई, लेट्स गो। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर का एपिसोड नंबर 1 जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना, इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक का। तो जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।